Yeah. MD. JPB. It's only right, baby. Yeah. Why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubborn. That's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can. तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं आज हमारे पास यहाँ पे खड़ा है KTM Duke 125 का जो न्यू वेरिएंट आया है वो। तो आज मैं आपको इसका सीट हाइट टेस्ट दिखाने वाला हूँ कि कितने इसका जो मिनिमम आपकी हाइट क्या रहनी चाहिए ताकि आप इस बाइक को इजीली राइड कर पाएं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे थे कि मतलब इसका जो सीट हाइट है वो पहले के कंपैरिजन में बढ़ गया है, क्योंकि इसका जो मतलब देखा जाए तो सीट हाइट पहले से थोड़ा सा कंपनी ने इंक्रीज़ कर दिया है। तो अब हम आपको एक दो जन बैठा करके दिखाने वाले हैं इसमें, जिससे कि आपको जो सीट हाइट है उसका आइडिया लग पाएगा कि आपकी हाइट क्या रहनी चाहिए ताकि आप इस बाइक को ईजिली राइड कर पाएँ। तो चलिए अब हम बैठाते हैं। सबसे पहले अभी भैया यहाँ पे हैं हमारे पास, तो इनका जो हाइट है वो लगभग मैं आपको 4 feet 8 inches के लगभग में देखने को मिलता है। तो अभी ये आपको बैठ करके दिखाएंगे, उसके बाद हम एक दो जन को और बिठाएंगे जिससे कि आपको आइडिया लग पाए। तो सबसे पहले बैठाते हैं और देखते हैं इनका पैर अट रहा है या नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं इनका जो पैर है वो यहाँ पे टिप्टो हो रहा है पूरी तरह से, मतलब जो है वो नहीं अट रहा उतना कंफर्टेबली। पीछे करिए, तो आप देख सकते हैं मतलब अगर आपकी हाइट 4 feet 8 inches के लगभग है तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है इस बाइक को सिटी में राइड करने में। तो अब एक बार हम दूसरे किसी को बैठा के देखते हैं जिसका हाइट इनसे ज्यादा होगा। बड़ी इनका जो हाइट है वो लगभग मैं आपको 5 feet के लगभग में देखने को मिलता है। तो अभी ये आपको बैठ करके दिखा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इनका जो पैर है वो उनसे ज़्यादा अच्छी तरह से अट रहा है। एक बार आप पीछे करके दिखाइए, तो आप देख सकते हैं इन्होंने काफ़ी इजीली मतलब पीछे कर लिया है। तो 5 feet अगर आपकी हाइट है तो आप देख सकते हैं आपका पैर टिप्टो होगा, उस साइड अट रहा है पैर। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड से ही थोड़ा थोड़ा मतलब टिप्टो हो रहा है। तो अब अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं, अब एक बार मैं आपको बैठ करके दिखाता हूं जिससे कि आपको और भी अच्छे से आइडिया लग पाएगा कि सीट हाइट क्या रहनी चाहिए। आप लोग दोनों के बीच में बात होगा वो मेरे इनके बीच में नहीं हो सकता है, आप डायरेक्टली से बात कर सकते हैं जो भी बोल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरा जो पैर है वो भी मतलब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ तो मतलब टिप्टो ही हो रहा है पैर, उतना कंफर्टेबली मैं भी नहीं बैठ पा रहा हूँ। और थोड़ा सा अगर आप बात करते हैं तो सिटी राइडिंग में मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, बट अगर बात करते हैं तो उतना भी अनकंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि इसका जो सीट है वो यहाँ पर काफ़ी पतला है, नैरो है, तो किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है इस सीट को। मतलब अगर फ्रेंड्स अगर आपकी हाइट मतलब आप बोल सकते हैं कम है, बट अगर आप उतने मतलब अगर आपका पेट नहीं है, अगर आप पतले हैं मेरे जैसे, तो आप कंफर्टेबली इस सीट पर बैठ सकते हैं। कुशनिंग वगैरह काफ़ी अच्छी प्रोवाइड की गई है। तो आपको सीट हाइट का आइडिया लग गया हो कि कितना इसमें सीट हाइट होना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपकी हाइट 5 feet 5 inches के लगभग है तो आप इजीली इस बाइक को राइड कर सकेंगे, आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा।